एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हैं। तो आज मैंने सोचा है कि अपने मायके का होम टूर कराऊं, और इतना बड़ा घर है कि मैं ज़्यादा नहीं कवर कर सकती। 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगी सब कुछ दिखा दूं। तो फिर यही आज हो, ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से इंट्री होती है। मेरे साथ साथ गो भी है, और ये जो घर है ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट के लिए बना हुआ है। इसमें भैया का जिम है, पापा का रूम है, और एक दो रूम है। अभी इसमें रिनोवेशन हो रहा है, काम चल रहा है। इधर सामने पार्किंग है, और ये सब गार्डन वगैरह है, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, और यही सब छोटे मोटे पेड़ है, और ये सारा एरिया है। और ये जो सामने रूम दिख रहा है छोटू सा ना, उसमें जब वो जनरेटर रूम है। तो ये गेस्ट हाउस के बगल में ये टॉयलेट रूम है, और ये अमरूद का पेड़ है। ये इसका अमरूद जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और ये मैंने दिखाया कि ये जनरेटर रूम है। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ गेस्ट हाउस के अंदर। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। तो पूरा धूल धूल है, मैंने बोला ना अभी रिनोवेशन चल रहा है, इसलिए पूरे घर में आपको सिर्फ धूल धूल ही दिखेंगे और लेबर वगैरह दिखेंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं घर में काम होता है तो कितना गंदगी मच जाती है। तो ये हॉल है, और इस हॉल में ये देखिए सबका, पूरे फैमिली की पिक्चर्स लगी हुई है। और ये जो वाइट शर्ट वाली फ़ोटो है ये मेरी फ़ोटो है, स्कूल की फ़ोटो है, पापा ने उसी को फ्रेम करा के टांग दी यहाँ पे। और यहाँ से फिर हम लोग अंदर सीढ़ी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे सब बचा खुचा सामान है, और जस्ट सीढ़ी के बगल में ये पापा का रूम है, अभी लॉक है। और यहाँ से फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है। यहाँ से मैं और कुहू जा रहे हैं, कुहू साथ में है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही मुझे वीडियो बनाने में। ये सीढ़ी पे बीच में खिड़की बनी हुई है, यहाँ से हम लोग सीढ़ी पे चढ़े। फिर सामने आपको हॉल दिखेगा, वहाँ सामने अलमीरा था जो कि टूट गया है, टूट के प्लेन हो गया है। और ये इधर से फिर हम लोग बालकनी की तरफ जाएंगे। जस्ट इसके बगल में भी एक रूम है, वो गेस्ट रूम बना हुआ, बेड वगैरह है उसमें। यहाँ से फिर बाहर जाने का रास्ता है। तो ये पूरा देखिए, हर जगह पूरा धूल है, सीमेंट है, पूरा काम चल रहा है। ये इधर ये जो रूम दिख रहा है ये मेरे भैया का जिम है, पर्सनल जिम है। वो उनका शौक है जिम करने का, इसलिए उन्होंने सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हाँ जिम खोल रखा है बाकियों के लिए, जिसका मन होता है अगल बगल बाजू या उनके फ्रेंड लोग आके करते हैं, बस ऐसे ही पर्सनल के लिए रखा उन्होंने। तो इसमें देख रहे हैं मिरर पर कितना धूल वगैरह सब जमा हुआ है, सब पेंट वगैरह होगा। तो ये सब है। इसके बाद इसके बाजू में ये गली टाइप का है, मतलब छोटा सा पतला सा बालकनी टाइप का है, और यहाँ सब काम ही हो रहा है। फिर यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। फिर वापस से हम लोग उसी में, ये बताया था ना वो सामने जो गेट दिख रहा है वो गेस्ट रूम है, फिर यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। जो सामने गेट दिख रहा है पहले ये रूम नहीं था, अभी ये नया टूट के रूम बना हुआ है। ये ऐसे बालकनी टाइप का चौड़ा सा था, तो उसको कंस्ट्रक्ट करके एक रूम बनाया गया है। फिर इसके जस्ट अपोजिट में दादू का मेरे वो लाइब्रेरी था, तो उसको टूट के यहाँ पे ये वॉशरूम और टॉयलेट बन रहा है, क्योंकि ऊपर टॉयलेट और वॉशरूम नहीं था, बाथरूम वगैरह नहीं था, तो वो नया बना है। यहाँ पे बेसिन लगेगा, और ये बालकनी बगल में वही पतला सा गली टाइप का बालकनी हो गया, पहले बहुत चौड़ा था, तो उसको वापस से ये दीवार बना के एक नया बाथरूम वगैरह बना है। इधर पूरा, इधर भी पूरा गली टाइप का है, जिधर से कूद जा रही है ये पूरा गली है। फिर बाहर बाहर सब पेड़ वगैरह है, और जस्ट इसी के नीचे टॉयलेट रूम है। हम लोग वापस से एंटर करेंगे, वही हॉल आ गया है। अब हॉल से ही ऊपर जाने की सीढ़ी है, कुहू और मैं अब सीढ़ी पे जा रहे हैं। सीढ़ी के बीच में ही एक बाहर के लिए विंडो बना हुआ है। तो ये सीढ़ी है,
है, सामने पूरा छत है, छत भी मतलब छत भी वापस से ढलैया हुआ है, मतलब वापस से सीमेंट लगा के उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ये जो रेलिंग देख रहे हैं आयरन का, पहले ये नहीं था, पहले जैसे ये है वैसे ही था, अब नया लगा हुआ है, ये पूरा छत है। तो ऊपर छत से देखने पे ऐसा नज़ारा दिखता है, और वो नारियल का पेड़ जो देख रहे हैं वो बहुत पहले का लगा हुआ है, हम लोग छोटे छोटे थे तब का लगा हुआ है, अब जाके इतना बड़ा हुआ है, और इस साल ये शायद नारियल फरा हुआ है, पहले इसमें फल नहीं आते थे, अब इसमें फल आने लगे हैं। तो ये सब पूरा एरिया, तो वो जो सामने दिख रहा है पिलर वाला घर, वो पार्किंग के लिए है, कार वार बाइक वगैरह खड़ी होती है। फिर बगल में वो थोड़ा सा खिड़की दिख रहा होगा, वो है मतलब ये जो सामने घर जो दिख रहा है वो घर है हमारा, और उसके बगल बाजू में जो दिख रहा था वो गाय के लिए है, जो थोड़ा सा दिख रहा है। मैं नीचे चल के आप लोग को डिटेल में दिखाती हूँ। डिटेल में क्या, ये पूरा छत है, बीच में कू खेल रही है, जगह जगह पे आपको कू दिख जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना घर। गेस्ट हाउस के बगल में भी कुछ कुछ एरिया है, जैसे टॉयलेट बना हुआ है, और वेस्ट वाटर जो होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए भी एक जगह बना हुआ है, तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ घर की तरफ। गेस्ट हाउस के बगल से और जो पार्किंग एरिया बना है उसके बगल से रास्ता गया हुआ है, ये इधर एक छोटा सा नल है, फिर ये सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। फिर आप आएंगे इस साइड, तो इस साइड देखेंगे ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये जो वेस्ट वाटर होता है इसमें ये कलेक्ट करने के लिए बना हुआ है, और इसमें भी फ्लावर्स लगे हुए हैं ताकि देखने में गंदा ना लगे, मच्छर वच्छर ना हो। और फिर चलते हैं उस तरफ घर की तरफ। तो इस साइड आते कू भी मेरे साथ ही साथ चल रही है, ये नल के साथ खेल रही है, ये प्लांट को पानी देने के लिए नल बना हुआ है, उसमें पाइप लगा हुआ है। और फिर इस साइड आएंगे, ये जो कमरा बंद हुआ दिख रहा है ना, एक ये गाय वगैरह के लिए था पहले, मतलब मेरे घर पे गाय भैंस वगैरह रहती थी, लेकिन अभी नहीं है, तो ऐसा ही खाली है और ये बंद पड़ा हुआ है। ये सीढ़ी लगा हुआ है ऊपर छत पे जाने के लिए, काफ़ी ये भी काफ़ी बड़ा है। फिर इधर एक छोटा सा हैंड पाइप है इमरजेंसी के लिए, पहले ये इसी से पानी वानी, अभी भी पानी पीने के लिए इसी से जाता है। और ये सामने जो छोटा सा रूम देख रहे हैं ये वाला, ये मेरे दादी का कोहिनूर का हीरा अपना रखती है, कोहिनूर का हीरा क्या, उसमें सब लकड़ी वगैरह रखती है। और इधर ये वो जो सामने घर है वो हमारा पुश्तैनी वाला घर है, उसमें सबका घर है, जैसे दादा मेरे दादा सबका एक दो दो कमरा सबका है। फिर ये सारे भैया का प्लांट वगैरह, ये जो सामने खिड़की ये भी हमारा ही रूम है। फिर ये इधर जाता है आपका, ये गेट है, ये चला जाता है गांव में अंदर जाता है। फिर ये हमारा घर आ गया, ये अंदर से यहाँ से एंट्री होती है, इधर से एंट्री है। फिर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है। फिर सामने आंगन है, ये रही मैं, और ये सामने एक्वेरियम, और ये अलग अलग रूम है, किसी में गेहूं है, चावल है, अटर बटर अलग अलग है। फिर इधर किचन, फिर ये सामने टीवी यूनिट है। फिर यहाँ से जाता है फर्स्ट फ्लोर का रास्ता, यहाँ से सीढ़ी, फिर ये आगे ऊपर वाले रूम में। फिर सामने आपको डाइनिंग टेबल दिखेगा, एक्चुअली डाइनिंग टेबल यहाँ इसलिए क्योंकि किचन पहले हमारा ऊपर था बट अब नीचे शिफ्ट हो गया है। और ये सबका अलग अलग, और ये सामने पूजा रूम है। अभी दिन का टाइम, लाइटिंग जल रही है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा है, और लाइट ऑफ है इसलिए अंधेरा है। फिर ये पूजा रूम से बाहर निकलेंगे तो ये बालकनी टाइप का दिखेगा, और ये बाहर का नज़ारा, सामने गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है, और ये सारे प्लांट्स वगैरह जो भी है, और सामने काम चल रहा है। मैंने बताया कि जैसे कि उसमें रिनोवेशन हो रहा है तो वो काम चल रहा है। और ये दादी वाला घर जिसमें सब लकड़ी वकड़ी रखी है। फिर आगे इधर सब बाथरूम है और भाभी का रूम है। फिर ये रहा मंदिर, सारे भगवान जी रखे हुए हैं, और वो घंटी है, और ये सब सामान वामान रखा हुआ है। द
फिर से खो आ गई और ये सारा रूम है। तो ये अभी ये जो रूम मैं खोल रही हूँ ये पहले किचन हुआ करता था, लेकिन अब सब रिनोवेट होके अलग हो गया। एक खाली रूम है, एक छोटा सा बेड रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, वो सामने कबर्ड है। ये पूरा खाली है, बस ऐसे ही कभी कभार कोई आता है सोता है, भाभी कभी पढ़ती, भाभी इसमें पढ़ाई करती हैं थोड़ा बहुत। और ये ऐसे, फिर उसके बाद इधर है बेसिन, वॉश बेसिन, और ये है मे हम लोगों का रूम, मतलब हमारा रूम है, ये हमारा फोटो सारा। फिर इधर आएंगे तो आपको ये वाला रूम जो है, ये वाला रूम भाभी का है, फिर ये दादी का है, उसमें उसका सामान है, और ये छोटे वाले भाई का है। फिर इधर आएंगे तो ये चाचा का रूम है, फिर इधर भाभी का रूम है, इन लोग का वार्डरोब वगैरह सब इसी में है। फिर इधर बाथरूम है, फिर बाथरूम वो सामने गेट खुलता है तो वो बालकनी में चला जाता है। और बस यही है हमारा छोटू सा घर। छोटू सा घर है, काफ़ी बड़ा ही है, लेकिन इसमें रहने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भाभी, भैया और मेरी दादी पापा रहते हैं। सिर्फ चार लोग रहते हैं पूरे इस घर में, दोनों घर को मिलाओ तो ज़्यादा लोग रहता है नहीं। उधर भी मेरी वही वाली फ़ोटो लगी हुई थी जो सामने दिखी ना, तो वो वाली मेरी फ़ोटो थी। इस मतलब हर गेस्ट हाउस में भी और इस वाले घर में भी सबका फ़ोटो लगा। ये मेरे दादा की फ़ोटो है जिसपे माला लगा हुआ है, पूरी फैमिली की फ़ोटो लगी हुई है इस घर में भी और उस घर में भी। तो यही है सारा रूम। फिर ये जाता है छत पे, आप लोगों को छत भी दिखा देती हूँ कि छत से हमारे घर का नज़ारा या मेरे घर के आजू बाजू कैसा दिखता है, सब कुछ दिखाती हूँ। तो ये कपड़े वगैरह डले हुए हैं और थाली में भाभी ने मुरब्बा बनाया है, वो है कू भी इधर ही कहीं होगी। ये देखिए उधर भाभी खड़ी हैं और कू खड़ी है, इधर कू खेल रही है। फिर ये सारे छत वगैरह, सामने झंडा टंगा हुआ, अभी तक टंगा हुआ है, उतरा नहीं है। और ये पानी, पानी टंकी भर जाती तो पानी गिर जाता है, वो है अभी तक। तो ये सारे पेड़, ऊपर का ये सारे नज़ारा है, सामने तो पता ही कौन सा हाउस है। फिर ये सारे रूम, फिर दूसरे साइड आएंगे, वो चीकू का पेड़ है जो बड़ा सा दिख रहा है ना सेंटर में, वो चीकू का पेड़ है। और ये पुराना घर जो बताया पुश्तैनी वाला घर है, वो इसका है। हमारा जितना रूम है उसको बाउंड्री करके, नीचे वाला जितना पोर्शन था उसको बाउंड्री किया हुआ है, वो सब चाचा लोग का है, दूसरे दादाजी के जो है उन लोग का घर है वो। और ये इस साइड जो बाउंड्री दिख रही है, इस साइड की हमारी है, ये छत एरिया है। और ये क्या हुआ है, इसको तोड़ के एक रूम है ऊपर और सारा नीचे है, इसको तोड़ के अंदर मिक्स हो गया। तो ये पूरा छत का नज़ारा है, पूरा वो आंगन दिख रहा है जो शेड लगा हुआ आंगन है। और मैं अपने घर के पीछे का एरिया दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए वो सारे जो दिख रहे हैं वो कच्चा मकान है, और ये सब लोगों का घर है, गाँव वालों का घर के पीछे का एरिया ये सारा चीज़। आपको नीम के पेड़ बहुत दिखेंगे यहाँ पे, चारों तरफ नीम के पेड़ दिखेंगे। तो ये हमारा घर है पूरा। तो अब वापस हम लोग बाहर जा रहे हैं, कू दरवाज़ा खोल रही है। थैंक यू कू फॉर ओपनिंग द डोर। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।